मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे छोड़ के जा रहे हैं 2 दिन के लिए। बहन घर जा रही है वापस, मिलो एक बड़ी, फिर मैं तुम्हें मामा की तरफ छोड़ूंगा। बाहर तो बहुत क्रेजी तूफान आ गया, निकलना मैंने और मैं लेट हो रहा हूँ। प्रीत साहब यहाँ पे नोई से मिल रहे हैं, सिस्टर से मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे 2 डेज के लिए आई हूँ, मानो 2 डेज के लिए स्टे करने। 2 दिन से हाल रख लेना मेरी बेगम का है। ये डायलॉग सिर्फ मैं बोल सकती, ठीक है, और कोई नहीं बोल सकता। मैंने बाल कट करवाने आपसे, सीरियस दिमाग सेट है तुम्हारा। खबरदार मुंडे काटे, काटने तो पूरे बैंक्स काटो, नहीं काटने तो ना काटो। दिखाओ क्या किया, क्या किया दिखाओ, दिखाओ दिखाओ। लेकिन वैसे मेरे लिए अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे छोड़ के जा रहे हैं 2 दिन के लिए। इसकी वजह से मैं थोड़ी सी सैड भी हूँ। सुबह सुबह उठ के बड़े दिल बर्दाश्ता होकर जो है ना रीव की पैकिंग कर रही हूँ, चीजें वीजें निकाली हुई है, क्योंकि मुझे मैं कभी शादी के बाद उससे दूर रही नहीं हूँ। 2 दिन के लिए भी वो जाएगा तो अस्सलाम। शादी के बाद उससे दूर रही नहीं हूँ, लेकिन रही हूँ बताओ कभी। मैं बहुत सैड हूँ। मैं रही हूँ कभी आपसे दूर शादी के बाद। फिर काम के लिए जाना है ना, तो मैं लोगों को बता रही हूँ। गाइस अरीब ने ना अपने काम शाम के सिलसिले में, अपने बिजनेस के सिलसिले में इस्लामाबाद अपने काम के सिलसिले में जाना है, इसीलिए मैं साथ नहीं जा रही। वरना आपको पता है मुझे हर जगह मेरे हस्बैंड साथ लेके जाते हैं, क्योंकि दिल उनका भी नहीं लगता है मेरे बगैर। बेशक बेशक नहीं लगता। कैसे गुजरेंगे आपके बगैर? नहीं लगता मेरा दिल, नहीं लगता सी। मैं शायद जल्दी आ जाऊँ, 3 दिन का ट्रिप है, शायद जल्दी आ जाऊँ। जल्दी 1.5 दिन में वापस आ जाएंगे, 1.5 दिन आपके जाने आने में लग जाना है। मेरा सामान वगैरह पैक हो गया। मैंने सिर्फ आपके भी कपड़े अरीब कुछ चीजें जो है ना वो मैंने निकाल के रखी है, सामने पड़ी हुई है अलमारी के पास, ठीक है, वहाँ से आप चेक कर लेंगे जो चाहिए। बाकी ये देखें, ये सूटकेस मैंने निकाल लिया, इतना काफी है या वो जो हनीमून पे लेके गए थे इतना बड़ा? वो नहीं नहीं भाई, ये भी ज्यादा है। हाँ छोटू मोटू पैक कर दूं आपको, ताकि फिर घुमा लें। जब इकरा था होती है सिर्फ तभी होती है, इतना सामान अरीब के लिए 2 कपड़े ही काफी है। नहीं नहीं अरीब, फिर भी 3 दिन के लिए अगर मैंने जाना होता ना तो ये सूटकेस कभी भी मेरे लिए नफ ना होता। हाँ शूज के भी वो पैक्स बना के ना, मेरा लेट हो गया हूँ, बाहर तूफान आ गया, तूफान चेक करवाते हैं। इतना तूफान आया, अभी तो खत्म हो गया, मैंने बनाया शॉर्ट लगा देना यहाँ पे, ठीक है। और इतनी तेज बारिश, ऐसे गजरा था, इतना तूफान आया, तो मैंने कहा फिर जो बारिश रुकेगी फिर थमेगी फिर ही निकलेंगे। तब मेरी बेगम भी थम गई है, थम गई है बेगम, आपकी ज्यादा ही थम गई, 2 दिन के लिए थम गई है। फिर आप भी चेंज कर लो, ठीक है, क्योंकि बहने भी जा रही हैं। हाँ। बहन घर जा रही है वापस, तो भाभी वगैरह भी गई हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम मिल लो एक बड़ी, फिर मैं तुम्हें वहाँ से मामा की तरफ छोड़ूंगा, आंटी की तरफ छोड़ूंगा, ठीक है, तुम भी जाके 2 दिन उधर रहो। आप तब तक जरा तूफान इंजॉय करें, मैं जरा बाहर से देख के तूफान की क्या सूरत हाल है, रेडी होके आती हूँ, लेट्स गो। हाँ एक मिनट, उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड हाँ, कल मैंने कमेंट में पूछा था कि मुझे किसी ऑथेंटिक आप लोगों ने जगह का बताना, तो मुझे बहुत से कमेंट्स आ चुके हैं, तो बस वी डिसाइड जैसे आप वापस आएंगे फिर इंशाल्लाह हम लोग डोनेशन इंशाल्लाह यार। अरे भी कोई पूछने वाली बात, अभी आप मुझे इमोशनल कर रहे हैं, अभी मेरे से आप दूर रहे हैं, ठीक है ना, जब जाएंगे पता नहीं क्या। सीरियस बता रही हूँ मैं आपको, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं वाकई आपको मिस करूंगी। 2 घंटे के लिए मुझे मैच खेलने, जब मैच के लिए छोड़ के जाते हो ना मैं तब इतनी वो हो रही होती हूँ, लेकिन ना आप, आपका मसला है भाई। 2 दिन चलो आओ, मैं तैयार हो निकले फिर, आप ऑफ हो जाने दो, सारे वेट कर रहे हैं, तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ, दिखाओ मौसम वगैरह देखो फिर आ जाओ। बाहर तो क्रेजी तूफान आ गया है, इसको यार सारा भीग जा रहा है बाहर, तो बहुत क्रेजी तूफान आ गया, निकलना मैंने और मैं लेट हो रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अब ये रुकता है तो फिर कुछ करते हैं। गरीब का सामान मैंने पैक कर दिया, बेल्ट, सॉक्स, वॉच, परफ्यूम, कपड़े, ट्राउजर, जो प्रॉपर चीजें हैं, और साथ में जो है ना वो मैंने शूज भी इन बैग में पैक कर दिए हैं, ताकि जो है ना वो शूज भी आराम से पहने जाए, ठीक है। तो ये अरीब साहब के दोनों चीजें कंप्लीट है, सारा सामान मुकम्मल है, बस फाइनली मैंने चेंज वेंज कर लिया है, परफेक्ट तैयार हो गई हूँ। अरीब का बैग भी पैक कर दिए, 2 काके भी हम लोगों ने साथ तैयार कर लिए है, अरीब साहब भी रेडी हो गए हैं। पूछ रहे किधर जा रहे, किधर वो, नहीं नहीं किधर नहीं, वो पूछ रही है वेयर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? जिम्मर के साथ कहाँ जा रहे हैं? मम्मी होम, मम्मी होम, मम्मी होम, मम्मी जानो,
मामी जा। अच्छा जी, तो भाई अरीब साहब जा रहे हैं, मामू इज गोइंग। ओके, तो अभी हम मामू को छोड़ने जाएंगे। चलो लेट्स गो, निकलते हैं। नीचे घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं, तो आ जाओ निकले बस। ठीक है, बस निकलते हैं, नीचे जाके बाजी से मिलते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी निकलना है। सब लोग जो है ना वो यार अरीब मुझे छोड़ कर जा रहे हैं। कोई बात नहीं, दो तीन दिन वापस आ जाऊंगा, दो तीन दिन में, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। एंजॉय करना घर में, आंटी को कह के जाऊंगा। मेरी बेगम का ख्याल रखना बहुत ज्यादा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। जो ख्याल हस्बैंड रखता है वैसे माँ का ही होता है। सारी जिंदगी माँ ने ख्याल रखा, माँ ने ही रखा है, बहुत ख्याल माँ ही रखती है। हस्बैंड जो है ना वो उसकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस होती है लाइफ में। मैं कह रही हूँ, पहले भाभी चली गई, बिल्ली चली गई, अब पहले एक सिस्टर चली गई, अब दूसरी सिस्टर जा रही है, अब मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं, और बची मैं इस घर में अकेली। तो अब मैं इस घर में अकेली क्या मच्छियां मक्खियां मारूंगी? अब मैं यहाँ से सीधा जाऊंगी भाई मम्मा की तरफ। तो अभी बस चलते हैं यहाँ से, अब पहुंचते हैं। अरीफ साहब का सामान गाड़ी में रखवाते हैं। मैं आ चुकी हूँ फाइनली नीचे, और अभी जो है वो यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, सब जा रहे हैं। भाई आप भी चले, यहाँ पे केले सब छोड़ने जा रहे हैं। आप भी चले जाएं फैसलाबाद दिल्ली के पास। हाँ, ऑफिस की टेंशन है। अरीफ साहब यहाँ पे नोई से मिल रहे हैं, सिस्टर से मिल। अभी जो है हम लोग निकल रहे हैं भाई, आप भी फिर हमें मिस करिएगा ज्यादा ज्यादा। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। बस हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं, टेक केयर। अरीब मोहतरम ने क्या किया जी, भाई बाहर खड़े हैं, ठीक है, और अरीब साहब ने जो है ना वो दरवाजा बंद करके ना आ गया। तो अब देखो अरीब ध्यान से बल्ब, अल्लाह ये लड़का खुल गया। हम लोग निकल आए थे घर से, अब सीधा जाएंगे हम मामा की तरफ। लेट्स गो। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अम्मा की तरफ, मिलते हैं जाके सबसे, और अम्मा को बताती हूँ कि आपकी बेटी को जो है वो दो दिन के लिए छोड़ के जा रहा है आपका अब दामाद। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक, आप बताएं। तुम क्या ब्लैक रील्स लगा, क्या हाल है? I'm good, how are you? मैं यहाँ पे 2 days के लिए आई हूँ, मानो 2 days के लिए स्टे करने की, क्योंकि अरीब जा रहे हैं। कहाँ? इस्लामाबाद। ओहो, ओहो, बाकी कहाँ चल? आप नहीं जा रही साथ? हाँ? आप नहीं जा रही साथ? मैं अपने घर रहूँगी। ये तो घूम फिर दिन ने, तो तू क्यों नहीं जा रही? मम्मा मैंने क्या जाना है घूम फिर के, वो अपने काम से जा रहा है, मैं अपने घर। दिन ने कार वाले कार बिठाई जान। शादी तो बाद यही होता है कि मियां कहीं जा रहे, मैं अपने मैके जा रही हूँ। हाँ है ना, तो मैके, इसको मैके कहते हैं। मैं ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? मेरा भी ठीक। बड़ी तीज छड़न आया हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। वो सैड हो रही है, वो कह रही मैंने नहीं जाना मामा की तरफ। मम्मा कह सकती हूँ, खुद बताएं। उन्होंने कहा बचपन से लेके अब तक पाल के इतना बड़ा करके तुम्हें दिया, आप ख्याल रखना। मैं तो ये डायलॉग सिर्फ मैं बोल सकती। ठीक है, और कोई नहीं। चले जी, फिर मैंने निकलना है। अभी तभी निकल रहे हो? हाँ यार, लेट हो जाएगा ना, फिर मुझे रात के टाइम ड्राइविंग नहीं होती, मुझे नींद आती है मुझे। मैं तो कह रही हूँ साथ कोई ड्राइवर ले जाओ, ताकि वो ड्राइव करता रहे, आप साथ वाली सीट पे सोते रहो। ये बेस्ट डिसीजन था, लेकिन अब इस टाइम नहीं हो सकता। नहीं पॉसिबल वैसे, है ना, वरना हो जाता। 5-10 मिनट बैठते फिर निकलते। मामा वगैरह से जो है वो मिल लिया है, अब अरीब साहब जो है वो जाने लगे हैं, और हम उनको अलविदा करने जा रहे हैं, अरीब की रुखसती करने जा रहे हैं। खैर खैर, अपना ध्यान रखना, किसी रास्ते से किसी चीजें लेके नहीं खानी है, सीधा सीधा जाना है। ठीक है, मुलाकात होती है इंशाल्लाह। थोड़ा सा सैड हो जाना, बाकी ज्यादा सैड नहीं होना। ठीक है, ओके ओके, बाय बाय, मुझे ज्यादा मिस करना। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरीब साहब तो चले गए हैं, मैं पीने लगी हूँ अब गर्मा गर्म दूध। वापस कब आएंगी मम्मा? 2 घंटे बाद आएंगे। ये लोग अब जिम जा रही हैं दोनों, माँ बेटी ने ना अलग ही सलूक किया। अब हमारी एक्टिविटी चेक करना, स्मार्ट हो गया है। एक दिन जो स्मार्ट तू की पकाना है। बहुत देर बाद जो है ना वो मैं जा रही हूँ, ऐसे आपको कहती नहीं। गाइस, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, वहां जाके मैं रेस्ट वेस्ट करूंगी, क्योंकि आज मेरी जो एक अदद बहन है जिसने मेरे जाने के बाद मेरे कमरे में कब्जा कर लिया था, वो थी हेरा फैसल, और वो गई भी है मरी अपने शूट वूट के लिए। तो वो जब वहाँ से फारिग होएगी वो फिर आएगी, वो 2 दिनों के लिए गई हुई है, और 2 दिन के लिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। वेलकम माय ब्यूटीफुल रूम। मैं अपने इस कमरे को हमेशा मैं मिस करती हूँ, लेकिन अब इसमें जो है अच्छा सारी चीज़ें वैसी की वैसे हैं, बस ये खीरा की फोटो आ गई है यहाँ पे, ये नई चीज़ का इजाफा हुआ है, ये थोड़ा मेस कम हो गया, नहीं मेरा जरा ज्यादा ऑर्गेनाइज था, ये जो है ये एज इट इज़ है, मेरा ज्यादा ऑर्गेनाइज था ये कमरा, इसकी अलग ही वाइब है। तो अब बस हम रेस्ट करते हैं, फिर जब तक घर वाले आते हैं फिर उनके साथ शुगर लगाएंगे। A few moments later. Finally, मेरी नींद जींद पूरी हो गई थी, रेस्ट वेस्ट मैंने कर लिया, तब तक मेरी बाकी बहनें भी आ चुकी हैं, मम्मा भी आ चुकी हैं। मम्मा जो है वो चली गई हैं सोने, क्योंकि काफी टाइम हो गया,
और ये मोहतरमा क्या तुझे फर्क पड़ा वैसे जिम से है, उतनी की उतनी है तू। यार एक दिन से कुछ भी नहीं होता है, ज्यादा करना पड़ता है। मैंने बाल कट करवाने आपसे। नहीं मानो मेरी बात सुनो, तुम सीरियस हो, दिमाग सेट है तुम्हारा, कहीं डंबल तुम्हारे सर पे तो नहीं गिर गया था? बैंग्स कटवाने हैं। अल्लाह चला ना, मैं तेरे काटती हूँ, तेरे तो कट जाएंगे। छुट्टी बाय। पहला गंजा देखा जो कटिंग कराने का बात कर रहा है। मानो क्या तुमने, क्या तुम दिमाग खराब है तुम्हारा? हल्के से कर दो, बिल्कुल हल्के कर दूं फिर हो? कर दिया जाए इसकी जामत। मानो तो इस वक्त ना मुझे जहर लग रही है इन बालों में। तुम्हारी ये जो कटिंग है ना, ये जो जामत करेगी, ये बेस्ट पार्लर वाली जो है ना, पड़ंग दी बेस्ट ब्लॉगर ऐसे कटिंग करेगी तुम्हारी। चला जा लेके आ, पागल हो तुम, लेके आ सीजर लेके आ। मम्मा वैसे गाइस मेरी ज्यादा जिम शिम करके थक गई थी, तो वो ना थक गई है और वो गई है सो। मेरी प्यारी मम्मी सो गई हैं, आप थक गई हैं जिम करके? प्यारी मम्मी सो गई हैं। आज क्या बनाना है खाने को? बनना पड़ा, मुझे लगता है पापा से फोन पे बातें कर रही है। अल्लाह माफ करे, मैं अपनी मां नूं रंगे हाथों अबू नाल कल ते गल करते सुना। ये देखे जरा, जब आपके हस्बैंड यू नो बाहर होते हैं ना, तो फिर आप कॉल पे बात करते हो। आज मेरे हस्बैंड साहब भी घर पे, ओहो मेरे साथ नहीं है, तो उनको मैं थोड़ा बहुत मिस कर रही हूँ। और अभी मेरी उनसे कॉल पे बात हुई है, माशाल्लाह खैरियत से पहुंच चुके हैं वो इस्लामाबाद, और सुबह अपने काम शाम निपटाएंगे फिर जल्दी वापस आ जाएं। यार अरीब अगर आप व्लॉग देखना तो जल्दी वापस आ जाएं। याद रखो कभी भी ऐसे खींच के पकड़ के कटना करना, उड़ के बाउंस करके ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये तुम किसको बता रही हो? जिसने तुम्हारे बाल काटने उसको बता रही हो तुम? चलो ठीक है आ जाओ। ये देखो भाई ये क्या लेके आई है, कंचिया। देखो ये कैंची, अरे ये क्या बैंग्स कटेंगे, मानो खराब हो जाए। अरे अपनी जुबान लेके आई है ये, काटो पहले। इतनी भी छोटी नहीं है, जैनब की जुबान बहुत बड़ी, जैनब की जुबान वो बड़ी नहीं, जुबान नहीं अपनी सोच लेकर आई है। बस कर यार मेरी बहन को ट्रोल नहीं करना, आप ही ज्यादा छोटे मत काटना यार। नहीं 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 हमें कभी भी ऐसे नाक तक काटो, नाक तक ही तो पहले ही बाल है। यार पता है ऐसे नहीं काटते रबिया, ऐसे काटते मुझे भाई, तुम्हारी कैंची खराब है तुम्हारे। तो रबिया अपनी जुबान यूज कर ले बेटे। वो देखो राबिया वहां से इतना बड़ा बिल्कुल ही रस्सा काटने वाला कैंचा ले आई है। राबिया ना करो यार, मैं काट देती हूँ कह रही हूँ मैं, प्लीज मुझे खबरदार। मुंडे काटे, काटने तो पूरे बैंक काटो, नहीं काटने तो ना काटो। मतलब तेरा पता लगे वुल्फ बैंक, राबिया खराब कर रही है इसको, चेक करो जरा लगी हुई है बस उतरने। क्या बना है तुम्हारे बालों का? आंखें कवर वो दिखाओ इधर, उसको देखेंगे जो है उसका क्या नाम है। राबिया अपनी गलती को ऐसे मत कवर करो, उसकी आंखों के आगे आते हैं ये, ऐसे होंगे आंखों के आगे वाले। दिखाओ लाइक व्हाट। मानो तेरे बाल बहुत छोटे हो गए, मैं कैमरे से देख सकती हूँ। नहीं मानो आगे से गंजी लग रही हो यार, बस कर दो। आप ही को देख लो नेगेटिविटी फैला रही है। क्या है उसके बाल? मैंने जैनब की कटिंग कर दी, ओनली वन एंड ओनली राबिया फैसल ले, और देखो कितनी। मानो आर यू सेटिस्फाइड जाके बाल खींचा दे, करवाना है वो मेरे से आके कांटेक्ट करे, मैं उनको बहुत अच्छा। चला चला राबिया क्या हुआ इधर आ, दिखाओ क्या किया, क्या किया दिखाओ 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 क्या। oh ऐसे मेसी चलते हैं, मेसी करके आओ फिर पता लगे उसे क्या गंद मारा है। हमारे ना एक्टिंग की क्लास में हमें सर ने न्यू लैंग्वेज सिखाई है, जिसको कहते हैं गिब्रिश, पता नहीं कौन गिब्रिश लैंग्वेज होती है। अच्छा। और वो लैंग्वेज होती है अधू कहते कर से वो गिब्रिश लैंग्वेज। एक मिनट आप बच गया, आप किस क्या था बच गई था दोनों के दिमाग पे ना सट लग चुकी है, बाल भी अब किसी और के कटे हैं, दिमाग इन दोनों का खराब हो चुका है। आपके साथ ओवर जाओ, गाइस 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 निकल जाओ, बंद कर दे चल सब गाइस। अब उसके बालों में तुम लोगों को पता है, वो जो जरा सट करके आई क्या पागल हो गई है, पता नहीं बेवकूफ है मेरी बहनें, पागल करने में आ गई, मैं दोनों में छोड़ के अच्छी बनी गई थी तुम लोगों को। दिखा क्या किया, मानो ये नहीं बाल ठीक बीच में ये, हाँ इसको थोड़ा करते वो अच्छी लग रही है राबिया। इधर आओ ऐसी रहो, अब इसको हम इसको फाइनल। जैनब तुम वैसे अपनी दफा याद रखना, तो मैं मुझे कहा था कि आप ही यार मुझे पता है ठीक काट लेती है, इससे आपका कभी भरोसा नहीं किया। अल्लाह की कसम, अल्लाह अल्लाह तोबा अल्लाह तोबा अल्लाह तोबा, यही सुनना था शादी के बाद आके, यही सुनना था अपनी बहनों से कि आपका कभी जिंदगी में भरोसा ही नहीं किया। मेरी बात सुना यार, मैं भी काट लूं बाल, हल्के हल्के आगे से ऐसे जैसे जैनब के अच्छे लग रहे हैं। नहीं कब देखो तुम अच्छे काट देती, नहीं मैं अच्छा काटूं मैं, चलो अभी काट देती फातिमा बता सही था। जैनब की तो देखना, जैनब पता है कौन लग रही है। हां
वो एक परिंदा नहीं आता मेरे, इसकी चील आगे से निकली, एक परिंदा नहीं वो पड़ा हुआ परिंदा इधर, एक परिंदा गाइस बारिश आते हो गई थी, बाल छाल कट गए हैं, बैठे हम बातें कर रहे थे बस, अब मुझे बहुत तेज वाली भूख लग गई है और अब मैं खाऊंगी खाना चकाचक मजेदार। मम्मा ने बहुत ही मजे की कोई शिमला दिया मिर्चा दे नाल, चिकन भुनिया होया पकाया, बड़ी देर बाद फिर से मम्मी के हाथ का खाना, ईद पे खा के गई थी, फिर खाएंगे। अच्छा एक बात है, इस घर में आके सबसे ज्यादा मैं पापा को मिस करती हूँ और आज अपने हस्बैंड को भी मिस कर रही हूँ, और यानी कि अब ऐसे लग रहा है जैसे अभी जाना है मुझे घर और वापस मिलना है या अरीब आएगा लेने के लिए, मतलब इस तरह से मुझे हो रहा है। लेकिन एनीवेज अब है कि दो दिन तक नो आसार ऑफ अरीब, नो आसार ऑफ माई हस्बैंड, एनीवेज खाना खाने हैं यार, इमोशनल हो रही है, हमेशा उसके साथ डिनर करती हूँ, रात का खाना खाती हूँ तो मुझे ज़रा याद आ रहा है मेरा हस्बैंड। मैंने खाना शाना खा लिया था और मेरे घर वाले सब गए हैं सो, सब अपने अपने कमरों में चले गए हैं और मैं अब जा रही हूँ अपने कमरे में, चूंकि हेरा नहीं है, होती भी तो मैं जा सकती थी मगर अब मुझे ज्यादा अकेला अकेला कमरा मिल रहा है तो बस अब चलते हैं अपने कमरे में सोने के लिए। गुड नाइट, मम्मी भी सो गई हैं, मम्मी आज थोड़ा ज्यादा थक गई थी, बस सुबह इंशाल्लाह अपना अगेन दिन स्टार्ट करेंगे अपने एस्ट्रोलॉजी हाउस में। अस्सलाम वालेकुम, वो वाली बाई बाई की पुराने वाली। तो अब इस ब्लॉग को, इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, इंशाल्लाह 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 आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को स्पेशली अपनी दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, याद आया यहीं पे करती थी मैं, बाय बाय टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।